देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। बिहार में लगातार बढ़ रहे अपराधों पर आया हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष मांझी का बयान। साथ ही उन्होंने बिहार में बढ़ रहे अपराधों के लिए ठहराया महागठबंधन सरकार को जिम्मेदार। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी दिया बड़ा बयान, कहा कि जब से नीतीश कुमार गठबंधन में गए हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई है। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा है इस रिपोर्ट में देखिए। मजबूरी में खींचा जा रहा है और जो खींचने वाले हैं थक चुके हैं, हार चुके हैं और कभी भी गिर सकते हैं। तो सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप देखे होंगे कि जब से गठबंधन हुआ तो किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो गई। उसके बाद माननीय नीतीश कुमार जी जो उन ऐसे व्यक्तित्व का नाम था जो भी कुछ बोलते थे तो लोग पूरा देश दुनिया सुनता था, लेकिन जब से गठबंधन में आए उनका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गया। अब लगता है खोए खोए से है कहीं है, तो एक प्रेशर है उनके ऊपर और प्रेशर है जिनके साथ जुड़े हैं और जंगल राज के जो युवराज हैं और जंगल राज को हरा करके और एक शांति का माहौल नीतीश जी ने उसके खिलाफ उनको मैंडेट मिला था, उन्हीं लोगों के साथ मिल जाने के बाद निश्चित तौर पर एक नीतीश जी उस लायक उसे व्यक्तित्व नहीं है, उसको नहीं मानते हैं। वो अपराध हो चाहे करप्शन हो हर चीज़ में जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, लेकिन उन लोग के साथ मिल गए हैं तो निश्चित तौर पर मजबूरी में मिले हैं, किसी समझौता के तहत मिले हैं, तो परेशानी और प्रेशर झेल नहीं पा रहे हैं और वो झेल नहीं पा रहे हैं तो उनके ऊपर जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो ब्यूरोक्रेसी और जो उनकी पकड़ है एडमिनिस्ट्रेशन पर कमज़ोर पड़ चुकी है। तो एक पंगू सरकार है और हम समझते हैं कि ऐसे पंगू सरकार को हट जाना चाहिए। और नीतीश जी को मैं एक व्यक्तिगत तौर पर मैं उनका सम्मान करता हूँ, उनसे मैं ही कहूँगा कि जिस कारण से आपको लोग जानता था, इस बिहार में लोग पूरे देश में आपको जानता था नीतीश कुमार को, वो नीतीश कुमार कहीं खो गए हैं, उसकी लाज बचाने के लिए माननीय नीतीश कुमार जी को स्वतः इस्तीफा दे देना चाहिए और वहां से हट करके किसी नई सरकार के लिए रास्ता तय कर देना चाहिए। तेजस्वी यादव, अगर हम एनडीए में आए हैं, अगर हम चाहते हैं कि एनडीए की सरकार बने तो निश्चित तौर पर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं और उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए सब लोग तैयार हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ करता है, लेकिन आपको हम एक बात बता देना चाहते हैं कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में आप जो बात कर रहे हैं तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में एनडीए जो भारतीय जनता पार्टी है 17 सीट पर लड़ी थी चुनाव और आज का समय में वो 17 से ज़्यादा सीट पर लड़ेगी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जितने भी दल हैं सबका सम्मानजनक सबका समझौता हुआ है, सबको उनके सम्मान के अनुसार ही उनको सीट मिलेगा और सीटों कोई विवाद नहीं है। यहाँ पर नेता एक है वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है, उनको सब लोग मानते हैं। 38 दल अगर उनके साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, 38 उनको नेता मानते हैं और उनकी एक एक बात के साथ हैं और हम समझते हैं कि जब वो बैठ करके हम लोग तय करेंगे सब बातों को देखा जाएगा, सबका सम्मान किया जाएगा और कहीं कोई विवाद नहीं है। मुझे याद है जब आपको मांग हमने नहीं की थी, हमने अपना तैयारी का बारे में बताया था मीडिया को कि हम अभी 5 से 6 सीट पर बहुत अच्छी तैयारी कर चुके हैं, हमारे कार्यकर्ता यहाँ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और उनको मौका मिलेगा तो जीतेंगे भी। तो ऐसी बात हमने बोला था, हमने कहीं नहीं बोला था कि हमको 5 सीट चाहिए या 6 सीट चाहिए, हमने अपनी तैयारी के बारे में बताया। अभी बीजेपी के सामने सीटों पर भी चर्चा होती है, सीट के साथ साथ और भी समस्याएं जो है जन समस्याएं हैं, हम लोग इन मुद्दों के लिए काम कर रहे हैं और हम आपसे क्या अपेक्षा रखते हैं, वो हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं, तो सारी बातों पर चर्चा होने के बाद जब मन मिल गया, हम लोग सब बात पर कमिटमेंट होने के बाद ही हम लोगों ने यूनिलैटरली अनाउंस किया वहाँ पर। वो तो चाहते थे कि बाद में हम लोग करेंगे, लेकिन कहें नहीं आपसे हमको साथ रहना है, आपके साथ जाना है, तो हम आज कर देते हैं, बाद में आप कर लीजिएगा। जहाँ तक सीट की बात है तो ऐसी बात नहीं है, प्रारंभिक चर्चा है, लेकिन हम समझते हैं कि बहुत ही प्री मैच्योर होगा ऐसा बात कहने के लिए। जब पूरी तरह से सारी बातें हो जाए तब मीडिया के सामने लाना चाहिए। हम समझते हैं कि ये बातें गठबंधन की है और अंडर टेबल बात है, तो उसको वहीं मतलब ये लगभग आप मुझे कहाना चाह रहे हो कोई बात नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि बातें हुई है और उन बातों पर सकारात्मक बातें हुई है जो हमारे लिए भी सही है और उनके हिसाब से भी कम्फर्टेबल। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं व्यक्तिगत तौर पर सीएम का बहुत सम्मान करता हूं, इस नाते में उन्हें यह सलाह देना चाहता हूं कि गठबंधन से पहले जो उनकी छवि थी राज्य तथा देश में, अगर उसकी लाज को वो बचाना चाहते हैं तो अब भी वक्त है मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दें। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।